हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ टीसी गुप्ता और आज मेरे साथ हैं रवि जांगिर सर, डॉक्टर रवि जांगिर। और आज हम गुरनीति की जो नेक्स्ट सीरीज में लेके आए आपके लिए केमिकल काइनेटिक्स और न्यूक्लियर केमिस्ट्री के सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, जिससे आपका पूरा टॉपिक ये क्वेश्चन बैंक भैया बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन सारे क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इनसे आपका पूरा केमिकल काइनेटिक्स न्यूक्लियर केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो हम कवर अप कर सके, पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। तो आप तैयार हो जाइए, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन अपने पास क्या है, N2+3H2 gives to 2NH3, यानी ये अमोनिया के फॉर्मेशन की रिएक्शन है। इसका एक नेम भी है हेबर प्रोसेस। इसमें क्या गिवन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी H2 की जो कंसंट्रेशन में चेंज है वो हमें गिवन है। उसकी वैल्यू क्या है, 0.3 × 10⁻⁴। इट मींस हमें वैल्यू किसकी है, डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T। इसकी वैल्यू क्या है, 0.3 × 10⁻⁴। अब देखो बेटा, जब हम रिएक्टेंट के लिए या प्रोडक्ट के लिए जब भी रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन फॉर वेरियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट के लिए साइन क्या आता है, नेगेटिव, एंड फॉर प्रोडक्ट क्या आता है, पॉजिटिव। इसका लॉजिक क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, टाइम के साथ डिक्रीज होती है, और जो प्रोडक्ट है उसकी क्या होती है, इंक्रीज होती है। बट जो वैल्यू है, जो रेट की वैल्यू है वो ऑलवेज क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ माइनस ये मत सोचना कि आपने नेगेटिव क्यों लगाया, क्यों लगाया मैंने, बिकॉज H2 क्या है, रिएक्टेंट। क्लियर, ठीक है। अब इसमें पूछ क्या रहा बेटा, द रेट चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया की जो कंसंट्रेशन में चेंज उसकी रेट पूछ रहा है। इट मींस वी हैव टू डिटरमाइन डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी, हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू भी डिटरमाइन करनी है। तो देखो बेटा, हम क्या करेंगे, आर एवरेज क्या होता है, आर एवरेज रिलेशन लिखेंगे बिटवीन आर एवरेज रेस्पेक्ट टू वेरियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो देखो N2 क्या है, रिएक्टेंट तो क्या आएगा, आर माइनस, रिएक्टेंट के लिए क्या आएगा, नेगेटिव, माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू क्या होगा, देखो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 3, वो क्या आएगा, नीचे आएगा बेटा, तो इक्वल टू क्या होगा, -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी। क्लियर, इक्वल टू क्या आएगा, अमोनिया क्या है, प्रोडक्ट है, तो उसके लिए क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो क्या आएगा, प्लस डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी, और इसका एसटीएम कोएफिशिएंट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, तो क्या करेंगे, 1/2। अब देखो आपके पास वैल्यू किसकी है, अपने पास वैल्यू है डेल्टा H2/Δt की, कैलकुलेट किसी करनी है, डेल्टा NH3/Δt। इट मींस क्या होगा, अगर मैं 2 को यहां लेके आ जाऊं तो अपने पास ये बच जाएगा क्या, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 क्या हो जाएगा, 2/3 × डेल्टा H2/Δt। तो इसकी वैल्यू क्या है, 0.3 × 10⁻⁴। अब देखो 3 से क्या होगा, कैंसिल होगा, 0.1 करते यानी क्या आएगा, 0.2 क्या आएगा आंसर, 0.2 × 10⁻⁴ आपका आंसर आएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन, तो सर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो ऑब्वियसली हमें यहां पे किसके लिए पूछा है, प्रोडक्ट के लिए पूछा है, तो इसलिए पॉजिटिव वाला ही टिक करना है, वैल्यू नहीं देखनी है, पॉजिटिव नेगेटिव है तो प्रोडक्ट के लिए पूछे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, दैट्स व्हाई वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा। सही बात है सर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। पढ़िए सर, इनिशियल रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऑफ द गैसियस रिएक्शन A gives 2B. A से हमें 2 मिल रहा, 2B मिल रहा है, और ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। इसके लिए हमें जो रेट दे रखी है वो 10⁻²⁺ मोल पर मिनट दे रखी है, मोलैरिटी पर मिनट दे रखी है। इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A इज 0.1 मोलर, कितनी है इनिशियल कंसंट्रेशन, ए की दे रखी है 0.1 मोलर, व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 60 सेकंड्स। देखो यहाँ पे मुझे जो रेट की
बात कर रहा है वो किस में कर रहा है, पर मिनट में, और यहाँ पे मुझसे किसकी बात कर रहा है, 60 सेकंड। 60 सेकंड मतलब 1 मिनट ही मान लूं मैं, ऑब्वियसली 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होता है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला देखें, इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग लिखते हैं C नॉट माइनस CT इक्वल टू क्या होता है, KT होता है, सही है। और C नॉट माइनस CT मतलब जो भी कंसंट्रेशन हमारे पास बची है, अपनी क्या इनिशियल कंसंट्रेशन है, और CT जो है कंसंट्रेशन टाइम टी टाइम पे है। मतलब मैं ये भी लिख सकता हूँ सर कि ये जो C नॉट माइनस CT वो x है, मेरा x है, डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन है, x है बिल्कुल, और इट इज इक्वल्स टू KT। K की वैल्यू दे रखी है सर, K की वैल्यू अपने पास क्या, देखो अपने पास इनिशियल रेट है सर, और वो 10 की पावर माइनस 2 मोल पर मिनट दे रखी है सर, बिल्कुल। और टाइम देखो ये K की वैल्यू ये क्यों है, देखो अपने पास वैल्यू एक्चुअल में किसकी है, द इनिशियल रेट, और जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, R इक्वल टू K C नॉट की पावर 0। इट मींस जीरो ऑर्डर इसको बोलते हैं जिसमें क्या हो, रेट कंसंट्रेशन की जीरो पावर पे डिपेंड करती है, मींस C नॉट पे डिपेंड नहीं करते, मींस क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट कांस्टेंट, दैट्स व्हाई जो K की वैल्यू आ गई वो अपने किसके लिए, जीरो ऑर्डर, R की वैल्यू ले ली, ठीक है। अब T की वैल्यू रखिए सर 60 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 60 सेकंड से तो मैं इसे 1 मिनट में रख लेता हूं, तो मेरे पास में x की जो वैल्यू है, मतलब जो A की जो कंसंट्रेशन है एट टाइम T जो आएगी वो आ रही है 10 की पावर माइनस 2 मोलैरिटी मोलर, या फिर इसे ही मैं कह सकता हूँ 0.01 मोलर, बिल्कुल सर। और क्योंकि क्योंकि सर A से क्या बन रहा है अपने पास, भी बन रहा है, 2 भी बन रहा है, बिल्कुल। 2 भी की मुझसे A की नहीं पूछी, मुझसे 2B की पूछी है, क्वेश्चन में, क्वेश्चन में 2B की वैल्यू पूछी है, B की वैल्यू पूछी है, बिल्कुल सर। तो B की जो वैल्यू होगी सर वो मैं 2 × 0.01 ये लिख सकता हूँ, और 0.02 मोलर। देखो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन A की क्या है, A, तो इसकी क्या होगी, 0, और T इक्वल टू बात कर रहे हैं 60 पे, तो अगर M से डिसोसिएट होता है X जो हमने कैलकुलेट किया अभी सर ने, तो यहाँ क्या बनेगा, इसके 1 मोल से कितने बनते हैं 2 मोल, तो X से कितने बनेंगे 2x बनेंगे, इट मींस वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2, दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर क्या होगा 0.02 विल बी करेक्ट। क्लियर बेटा, नेक्स्ट मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, जो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है हमें, देखिए सर क्या दे रखा है, हमें ग्राफ का क्वेश्चन दे रखा है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सर ग्राफ के लिए पूछा है, ए प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट, और सर ग्राफ किसका है, log a वर्सेस टाइम t, इसके कौन सा करेक्ट ग्राफ है सर, तो सर बताइए आप। तो देखो पूरे चैप्टर में जो ग्राफ है इसमें ग्राफ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कई बार ग्राफ देखो जीरो का ग्राफ, फर्स्ट का ग्राफ एग्जाम में आता रहता है, तो देखो ग्राफ की हम बात करें बेसिकली तो हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो ऑर्डर के लिए इक्वेशन देखो याद कैसे रखते हैं, जीरो ऑर्डर के लिए अभी हमने डिस्कस किया C नॉट माइनस CT इक्वल टू KT क्या होती है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, तो आपको याद कैसे रखें, फर्स्ट जैसे ऑर्डर 1 हो जाएगा तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे लोग, क्या लिख देंगे लोग लिख देंगे, तो लोग C नॉट माइनस लोग CT इक्वल टू हो जाता है यहाँ पे KT, क्या हो जाता है KT अपॉन 2.303 हो जाता है, ये इंटीग्रेटेड फर्स्ट इज द इंटीग्रेटेड रेटिंग फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो ग्राफ का फंडा क्या है, y एक्सिस पे आ रहा है AT, AT मींस हम यहां लेंगे CT इसको, और x एक्सिस पे आ रहा है T, तो ग्राफ का फंडा क्या है, जो y एक्सिस पे होता है उसको y लिखते हैं और x वाले को x लिखते हैं, तो y एक्सिस के अकॉर्डिंग देखो c log CT चाहिए, तो क्या होगा log CT इक्वल टू क्या होगा माइनस KT अपॉन 2.303 प्लस, और ये क्या हो जाएगा उधर जाके प्लस हो जाएगा सर, प्लस है लोग सी नोट, इट मींस y एक्सिस पे आ रहा है लोग सिटी, तो इसको तो हमने y वैल्यू पुट कर दी, किस x टाइप का ग्राफ हो रहा है, तो आपको t को हमने x टू y इक्वल टू mx प्लस c, इट मींस क्या हो गया सर ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो गई, माइनस mx हो गया, m की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, बिल्कुल माइनस mx, अगर आप माइनस m करते हैं तो फिर क्या होगा m इक्वल टू क्या होगा, अल्टीमेटली इसका कंक्लूजन क्या है, इसकी स्लोप नेगेटिव है, स्ट्रेट लाइनों का डेप श्योर है,
वो नेगेटिव स्लोप है, और नेगेटिव स्लोप की लाइन क्या होगी, स्टैप से जो लाइन होती है वो सारी किसकी होती है, पॉजिटिव स्लोप की होती है, और स्टैप की जो नेचर होगा किसका होगा, नेगेटिव स्लोप का होगा। तो स्टैप से नेचर कौन सा गए, सेकंड गए यहाँ पे, तो कौन सा करेक्ट होगा, सेकंड। देखो यहाँ पे फर्स्ट तो आ नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट पे क्या है, ये कहाँ से पास हुई, ओरिजिन से, और एक्स इक्वल टू जीरो पे वाई इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे लॉग सिन होगा, तो फर्स्ट तो आंसर होंगे। इसके अंदर हमें इंटरसेप्ट की वैल्यू भी दे रखी है, बिल्कुल इंटरसेप्ट जो है वो लॉग सी नॉट है, तो ये जो वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो अपना क्या इंटरसेप्ट दे रखा है, जो कि लॉग सी नॉट है, ठीक है, और स्लोप क्या है इसकी, नेगेटिव है, ये वाला आ नहीं सकता, क्योंकि क्या है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, और कांस्टेंट किसकी होती है, जीरो की होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ हो गया सर, बिल्कुल। फोर्थ का क्वेश्चन करेक्टिक स्लोप भी क्या है, फोर्थ में पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप, ओके बेटा। तो हमने बात कर ली ग्राफ की, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, क्या दे रखा है सर, द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट इज 10 मिनट्स, ये हाफ कितना है, 10 मिनट्स, 10 मिनट्स दे रखा है हमें, in approx what period of time in which the concentration of A is reduced to 10% of initial concentration, जो initial concentration था सर मेरा, अगर मैं उसको 100 मान लेता हूँ, 100%, तो अभी अभी जो concentration मेरे पास बची हुई है, जो remaining है, वो कितनी है, 10 है, तो हम लोग हमारा integrated first equation से सर करते हैं, तो integrated first order reaction के लिए जो rate होती है हमारे पास में, हम लोग लिखते हैं K is equals to 2.303 upon T log of C naught upon CT. C naught upon CT. C naught upon CT. जहां पे C naught initial concentration है मेरे पास, तो यहां पे मैं value रखता हूँ। अच्छा एक और, क्योंकि हमें हाफ लाइफ दे रखी है, तो हाफ लाइफ का एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास, कि T half is equals to 0.693 upon K, और K जो है वो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है, बिल्कुल सर, K की वैल्यू रखनी है सर मुझे यहाँ पे, तो मैं K की वैल्यू ये रख सकता हूँ 0.693 upon T half, और ये वैल्यू यहाँ पे रखते हैं 0.693 upon T half is equals to 2.303 upon T. क्योंकि इनिशियल जो बचा हुआ मेरे पास कंसंट्रेशन है वो 10 है, तो सीटी की जगह हम लोगों ने 10 रख लिया, इसे हम लोग सॉल्व करें तो 0.693 अपॉन 10 मिनट्स, क्योंकि टी हाफ मुझे 10 मिनट्स दे रखा है, इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ 100 बाय 10, यहां तक है सर, नेक्स्ट पेज कीजिए, तो हमारे पास में इक्वेशन जो है वो अभी तक ये आ चुकी है 0.693 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग 100 बाय 10 लिखा था, उसे ही मैं लॉग 10 लिख देता हूं। अब यहां से टी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2.303 इंटू लॉग 10, लॉग 10 तो 1 होता है, लॉग 10 की वैल्यू 1 होगी, इंटू 10 डिवाइड बाय 0.693, बिल्कुल, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में 33, और क्योंकि सब मिनट्स में चल रहा है, ये मिनट्स में दे रखा है, 33 मिनट्स आपका ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्लियर बेटा। नेक्स्ट मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 5, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी एवरेज, हमें क्या क्या बोला, टी एवरेज टी हाफ और टी 3/4 में कंपेयर करना है, तो देखो हमें सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपके काफी कुछ यूज होने वाला है। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात करें तो टी इक्वल टू जो अभी सर ने यूज की जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में क्या होता है 2.303 अपॉन के लॉग सी नॉट अपॉन सी टी,
दिस इज द मास्टर इक्वेशन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में 40% इक्वेशन सर इसी इक्वेशन का होता है, तो ये इक्वेशन आप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इक्वेशन आपके सोल्व होते हैं, ठीक है। तो इसका मैं यूज करना सिखाता हूँ। इसमें देखो टी क्या है, टाइम ड्यूरेशन है, के क्या है, रेट कांस्टेंट है, सी नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, एंड सी टी इज कंसंट्रेशन एट टाइम टी है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इसमें तीनों को कंपेयर करना है, तो तीनों हम निकालना सीखते हैं। फर्स्ट क्या निकालना है इसमें, टी एवरेज। तो देखो टी एवरेज का मीनिंग क्या होता है, द टाइम इन विच द सी टी द रिमेनिंग कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू 1/e टाइम्स ऑफ सी नॉट। इट मीन्स द टाइम ड्यूरेशन जिसमें क्या हो, जो कंसंट्रेशन रिमेन हो वो क्या हो, इनिशियल की 1/e टाइम। सिंपल सी बात है, मैं टी की जगह तो टी एवरेज पुट करना पड़ेगा और सी टी की जगह सी नॉट बाई ई पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो तो टी एवरेज क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे ई आ रहा है तो 2.303 log को हम ln फंक्शन बोल सकते हैं क्या, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ln C नॉट और C T के लिए पुट कर रहा हूँ C नॉट अपॉन E, क्या पुट कर रहे हैं C नॉट अपॉन E, ठीक है। अपॉन क्या जाएगा, 1/e के तो साथ में रहेगा। अब देखो C नॉट से C नॉट कैंसिल आउट हो गया और ln E, जब भी बेस और ये वैल्यू सेम होती है तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। इट मीन्स ये आपका पार्ट 1 हो गया, तो आपके पास T एवरेज की वैल्यू आ गई 1/e की आ गई, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल। अब देखो इसी इक्वेशन में निकालेंगे T हाफ, क्या निकालेंगे T हाफ। तो when t equal to t half होता है, it means जो आपकी c t है वो क्या होगा, c note by 2 होगा, हो जाएगा। यानी t half क्या होता है, the time duration in which reaction complete 50%, यानी आपका 50% हो जाती है, reactant आपका 50% ही बचता है। इसमें हमने क्या किया, c t क्या कर दिया, c note by c note अपना initial है, उसका half हो गया, ठीक है। तो हम value simple हम put कर देते हैं, तो t half क्या होगा, equal to क्या होगा, यहाँ से देखो 2.303 अपॉन के log c नॉट और c t को पुट करते हैं, c t की जगह हम लोग c नॉट बाय 2 रख सकते हैं, c नॉट बाय 2 पुट कर देते हैं। तो देखो अगेन क्या होगा, c नॉट से c नॉट कैंसिल, log 2 आएगा और log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010। तो फाइनल अगर हम कैलकुलेट करें तो यह आ जाएगा 0.693 अपॉन k आ जाएगा, डायरेक्टली आप याद रखें इसको 2.303 इनटू 0.3 करेंगे तो 0.693 इक्वल होता है, तो ये आपका आ गया t हाफ। इसे सेम t 3/4 का मतलब होता है t 75%, इट मींस 75% रिएक्शन हो गई, कंप्लीट हो चुकी है, 75% रिएक्शन जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो रिमेनिंग कितनी होगी सर, 25% बचे। इट मींस आपके पास जो इस केस में CT होगा वो क्या होगा, 25% 1/4 पार्ट हो जाएगा, 1/4 पार्ट। इट मींस कितना होगा, C नॉट बाय 4। तो यहां से देखो हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों में ऐसे रिलेशन भी हम निकालेंगे और वो भी एग्जाम में सर आता रहता है, बिल्कुल क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां से हम बात करें T 3/4 की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन वही सेम इक्वेशन लगाएंगे, सेम इक्वेशन और लॉग क्या होगा, C नॉट और CT क्या होगा, C नॉट बाय 4। अब देखो ध्यान से हम देखें तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, ये टर्म सेम है, क्यों यहाँ पे log 2 है, यहाँ पे log 4 है, C नॉट कैंसिल होगा, log 4 log 4 क्या होगा, 2 का स्क्वायर, मतलब 0.6020, हाँ 2 का स्क्वायर 2 log 2 हो गया, ठीक है। इट मींस क्या, अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करें तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ t हाफ कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ट्वाइस ऑफ t हाफ हम कह सकते हैं, और t हाफ हमने देख लिया सर, ये ट्वाइस क्यों हुआ, बिकॉज 4 क्या लेंगे, 2 का स्क्वायर और log x वाला क्या होता है, n log x होता है तो 2 बार आएगा सर, ठीक है। इट मींस क्या हो गया, 2 × 0.693 अपॉन k। अब सिंपल ही हम देख सकते हैं कि किसकी वैल्यू ज्यादा है किसकी कम है, बिल्कुल। अब देखो सामने 1/4 के कॉमन आ रहा है, ऊपर यहां 1 आ रहा है या 0.6 आ रहा है, और देखो ये डैम शॉट क्या होगा, इसका डबल क्या होगा, 1.3 के आसपास आएगा, 1.3। इट मींस मैक्सिमम आपका क्या हुआ, 1.3 यानी t 3/4 सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा, फिर ये 1 से कम है और यहां पे क्या है, 1। तो फिर क्या आएगा सर, फिर टी आपका टी एवरेज रहेगा और सबसे कम क्या होगा इसमें, टी हाफ होगा। ऐसा ऑप्शन देखे सर कौन सा है, बिल्कुल सर ये वाला जो ऑप्शन आपका 3/4 मैक्सिमम है। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, मैक्सिमम है टी एवरेज है, फिर देखो आपका फर्स्ट ही करेक्ट है तो आगे आपको देखने की नीड नहीं है, क्लियर बेटा। तो इस चैप्टर के मास्टर इक्वेशन है, और सर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है उसमें जो टी हाफ जैसे लिया हम लोगों ने, जैसे अगर हम लोग 100 से स्टार्ट करें, बिल्कुल सर, और 100 से 50 पे जा रहे हैं, मतलब ये एक टी हाफ हो गई,
बिल्कुल, तो फिर यहाँ से हम लोग 25 पे जा रहे हैं, तो ये भी एक टी हाफ हो गया। ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो अगर ये हमारे लिए टी हाफ है, ये भी हमारे लिए टी हाफ है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ये दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है ना। और ये जो पूरा टाइम है यहाँ से लेके यहाँ तक जस्ट डबल, उसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए T3/4 कह सकते हैं। बिल्कुल सर, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ये कॉन्सेप्ट जो है वो सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर में अप्लाई नहीं चलता, वो नहीं होता वहां पे। जीरो के लिए अलग होता है और फर्स्ट के लिए अलग होता है। जीरो में क्या होता है, सेम टाइम में सेम कंसंट्रेशन डिस्ट्रीब्यूट होगी और इसमें सेम टाइम ड्यूरेशन में परसेंटेज आपका सर सेम रहेगा, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सेम होता है। बिल्कुल। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, तो पढ़िए सर क्या है। For the reaction A plus B gives C, starting with different initial concentration of A and B. मुझे A की concentration दे रखी है अलग अलग, और मुझे B की concentration अलग अलग दे रखी है। कुछ अलग अलग experiments की है, उनमें इनकी values दे रखी है, और उन experiments में जो rate है मेरे पास, initial rate वो determine की गई है 4 different experiments करके, ठीक है। ये हमें rate दे रखी है, A की concentration दे रखी है, B की concentration दे रखी है, और हमसे रेट लॉ पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बहुत अक्सर पूछे जाते हैं सर। बिल्कुल सर, मतलब मेंस में या नीट में और जेई मेन में मोस्ट ऑफ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखो यहां इंपॉर्टेंट है रेट लो, बहुत सिंपल है, रेट लो यहां डिटरमाइन करवा रहा है। तो रेट लो इज ए प्रैक्टिकल लो, बिल्कुल प्रैक्टिकली इससे क्या निकालेंगे, ऑर्डर, और ऑर्डर इज प्रैक्टिकल डेटा। बिल्कुल, दैट्स व्हाई ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है। That's why these are the experimental data. तो इनकी help से हम क्या करेंगे, हम rate law determine करेंगे। तो देखो बच्चों क्या करेंगे हम लोग, हम लोगों को ये पता है कि जो rate होती है, rate वो depend करेगी A की concentration पे। बिल्कुल, और हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि order क्या होगा, तो हम लोग इसको x मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और B की concentration पे वो y मान लेते, तो उसे हम लोग y मान लेते हैं। मींस x एंड y क्या होगा, x इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेस्पेक्ट टू a एंड y विल बी विद रेस्पेक्ट टू b, और टोटल ऑर्डर क्या होगा, x प्लस y। मींस वी हैव टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ x एंड y। बिल्कुल, तो यहां पे बहुत सिंपल है, हम लोग ऐसा देखते हैं जहां पे कोई एक जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो। बिल्कुल, एक कंसंट्रेशन क्या हो, कांस्टेंट, और दूसरे पे रेट डिपेंड कर रही हो। बिल्कुल, ठीक है ना। ऐसे हम लोग इनको अगर सॉल्व करें, वैसे लिखे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं, हमें टाइम बचा रहे हैं, तो एकदम शॉर्ट ट्रिक है। इट मींस सर का मीनिंग क्या है कि ए के रेस्पेक्ट में डिटरमाइन करने के लिए हम बी को कांस्टेंट देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल बी की सेम है, अगर मुझे ए के लिए डिटरमाइन करना है, ओनली फॉर ए के लिए, तो मैं बी को ऐसी कंसंट्रेशन लूंगा जो कांस्टेंट हो, जो सेम हो, क्योंकि अगर सेम है तो इसका मतलब रेट उस पे डिपेंड नहीं करेगी। तो मैं फर्स्ट और सेकंड एंड सेकंड को देखूं, तो ए चेंज हो रहा है, बी कांस्टेंट है, रेट चेंज हो रही है। जब मैंने A को डबल किया, डबल किया तो 1.6 से 3.2 मतलब डबल कर दिया, तो यहाँ पे देखो रेट क्या हो गई, 4 टाइम हो गई, 4 टाइम से 1 × 10⁻³⁴ × क्या हो गई सर, 10⁻⁴ टाइम हो गया, डबल करने से 4 टाइम्स हो रहा है, मतलब ऑर्डर क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर। इट मींस A के हम क्या पावर लगाएं, या A ये डबल करें तो 2 की हम क्या पावर लगाएंगे, 4 आए। बिल्कुल, 2 की पावर 2 होती है। इट मींस A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया, x की वैल्यू अपने यहां पास 2 हो गई। अब देखो यही से देखते हैं, x टुडे वो फर्स्ट में भी गिवन है, ठीक है, सेकंड में गिवन है, थर्ड में नहीं है तो थर्ड नहीं आ सकता, फोर्थ आपका कैंसिल हो गया, तो आपको बात करनी है फर्स्ट और 2 की। अब b के लिए बात करें, हम लोग देखते हैं, तो अगेन अब हम लोग ऐसी टर्म्स लेंगे जहां पे a कांस्टेंट हो और b को चेंज कर रहा है, बिल्कुल सर, ताकि a पे रेट डिपेंड नहीं करेगी। तो ऐसा अगर मैं देखूं तो मैं सेकंड को एंड फोर्थ को देखता हूं, जहां पे की वैल्यू सेम है, ए की कंसंट्रेशन सेम है, लेकिन बी की कंसंट्रेशन जो है वो डबल की गई है, 5 × 2 = 10 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 0.5 × 10⁻¹, तो 0.5 यहां पे कर सकते हैं 1, तो 0.5 का डबल क्या हो गया, 1 हो गया। इट मींस यहां पे हमने क्या किया, डबल की है, डबल कर दी, और डबल करने से 4 से 8 हो रहा है, 4 से 8 हो रहा है, मतलब वो भी डबल हो गया, तो B की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट डबल हो रही है, तो B के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो गया, 1। मींस 2 के पावर क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे, तो इसे 2 आएगा, और इसी तरीके से Y की वैल्यू यहां पे क्या हो गई, 1 हो गई, तो X = 2 B Y = 1, मतलब A के रेस्पेक्ट में 2, B के रेस्पेक्ट में 1, और ऐसा ऑप्शन जो है आपका सेकंड क्यों नहीं आएगा, देखो यहां पे B के रेस्पेक्ट में 2 दिया हुआ है। और सर एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही ओरली हम लोग कर लेते हैं, कि अगर ए के रेस्पेक्ट में डबल किया, और ए के रेस्पेक्ट में अगर कह दो कि कंसंट्रेशन डबल करने से रेट डबल हो रही है, तो ऑर्डर फर्स्ट, बिल्कुल सर, कंसंट्रेशन डबल करने से रेट 4 टाइम्स हो रही है,
तो सेकंड ऑर्डर हो जाएगा, एक टाइम्स में थ्री हो जाएगा, एक टाइम्स हो गया, तो थ्री हो गया। ऐसे ही अगर मैंने मान लो थ्री टाइम्स कंसंट्रेशन इंक्रीज किया है, तो थ्री से अगर थ्री ही इंक्रीज होती है, मतलब कंसंट्रेशन थ्री है, रेट भी थ्री टाइम्स इंक्रीज हो रही है, तो फर्स्ट ऑर्डर। कंसंट्रेशन थ्री टाइम्स किया लेकिन रेट नाइन टाइम्स इंक्रीज हो रही है, तो थ्री का स्क्वायर नाइन आ रहा है, ऑर्डर टू आ सेकंड, सेकंड ऑर्डर थ्री टाइम्स करने से रेट 27 टाइम्स हो रही है, तो थर्ड हो जाएगा। वो थ्री टाइम्स करने से रेट अगर 1/3 हो रही है, थ्री टाइम्स इंक्रीज करने से रेट 1/3 हो रही है, तो -1 ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, चले सर। बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, सब्सटेंस अंडरगोस फर्स्ट ऑर्डर डीकंपोजिशन, टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ए टू बी एंड ए टू सी, और दोनों सर दे रखा है कि दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर है, इट मींस इस टाइप रिएक्शन को बोलते हैं पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि यहां पे पैरेलल ए से बी भी फॉर्म हो रहा है और ए से सी भी फॉर्म हो रहा है, दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ बन रहे हैं। बिल्कुल, ए से बी के लिए रेट कांस्टेंट K1 है और सी के लिए K2 है, तो ऐसी रिएक्शन का जो ओवरऑल रेट कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, K1 + K2। बट यहां पे पूछ रहा परसेंटेज ऑफ बी एंड परसेंटेज यील्ड ऑफ सी, तो बी के लिए डिटरमाइन कौन कर रहा है, K1 कर रहा है, तो परसेंटेज बी क्या जाएगी यहां से, K1 / K2। अगर हम ध्यान से देखें तो K1 की वैल्यू कितनी है, 11.4 × 100 करेंगे हम परसेंटेज के लिए, तो K1 की वैल्यू कितनी है, 11.4 × 10⁻⁵ / K1 + K2, इनको ऐड करो आप, 11.4 और 3.8 को ऐड करते तो कितना आता है, 15.2 आएगा, डायरेक्टली कर सकते हैं, 100 - 75 आप कैलकुलेट करना हो क्या हो जाएगा, K2 / K1 + K2 कैलकुलेट भी कर सकते हो। ठीक बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है फॉर रिएक्शन ए टू बी ईए क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी, क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, डेल्टा एस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड पीई ऑफ प्रोफाइल। आप देखो जो वैल्यू है उनके अकॉर्डिंग देखते हैं प्रोफाइल क्या होगा, तो थोड़ा सा देखो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, मान लो कोई भी ग्राफ हम ले लेते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, ए रिएक्टेंट है तो दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एंड बी क्या है, प्रोडक्ट है, तो दिस इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, और इन दोनों का जो गैप होता है डेल्टा एच, इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये क्या होता है, हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कह देते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। देखो डेल्टा एच पॉजिटिव, इट मींस डैम श्योर है ईपी बी की एनर्जी ज्यादा होगी, इस क्वेश्चन में डेल्टा एच क्या दिया, पॉजिटिव दिया ना 5, और पॉजिटिव कब आएगा, जब ईपी ज्यादा हो ईआर कम हो, तो EP ज्यादा हो ER कम हो, ऐसा ऑप्शन आपका कौन सा है, फर्स्ट तो आपका नहीं होगा, सेकंड होगा, ठीक है, और थर्ड और फोर्थ की बात, फोर्थ तो एक्जेक्टली इक्वल हो रहा है तो फोर्थ भी नहीं आएगा। ठीक है, अब थोड़ा और इसके बारे में बात करते हैं, सेकंड और थर्ड की बात करते हैं। ठीक है, अब ये इसे पूछ रहा है कि इन डेटा के अकॉर्डिंग कौन सा ग्राफ करेक्ट है, अब EA की बात करते हैं, तो हम पहले EA की बात कर लेते हैं, ये क्या होता है, देखो एक्टिवेशन एनर्जी, कोई भी केमिकल रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट हैव टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर। ठीक है, इट मीन्स पार्टिकल्स की एनर्जी क्या होती है, ER होती है, और रिएक्शन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स, ऐसे भी कह सकते हैं सर कि ये मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी भी रिएक्शन को होने के लिए, तो ये रिएक्टेंट की जो एनर्जी है एक इस वैल्यू तक, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी ET, इस वैल्यू तक पहुंच के यहां पे क्या बनाएंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, क्या बनाएंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, तो जो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकता है, ओनली दैट मॉलिक्यूल कैन कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, इट मींस द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, इसको बोलते हैं ईए, क्या बोलते हैं, ईए बोलते हैं। अब देखो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, और अगर इसकी ग्राफ की हम बात करें, यहां ईए हो गया, यहां पे ईआर से लेकिन ईटी तक, ईटी का टोटल हो गया और ईआर क्या हो गया, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट हो गया, इट मींस ईटी माइनस ईआर क्या होगा, ये होगा, या EA plus ER क्या हो जाएगा, ET हो जाएगा, तो ये क्या होगा, the amount of extra energy required, extra मैंने क्यों बोला, क्योंकि ER यानी थोड़ी एनर्जी पहले से है ना उनके पास, तो amount of extra energy required to form activated complex, क्या बोलते हैं उसको, activation energy। अब देखो reaction single step बना, और ये graph draw करो क्या multi step को, तो A to B क्या हो रहा है, single step है, तो single step graph कौन सा, element type की है, option number 2 correct है।
क्लियर होता है। ये ग्राफ का बेसिक था, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, काम में आता है आयनिक इक्वेशन में, ये बहुत काम में आता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब जीरो से लेके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और एक्टिवेशन एनर्जी मतलब रिएक्टेंट से लेके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दे रखा है हमें, ग्राफ दे रखा है log k and 1 by t, k is constant in second inverse, तो आई थिंक सर जब वैल्यू दे दी हमें की सेकंड इनवर्स में, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है। एंड टी इज द टेम्परेचर इन केल्विन, इज ए स्ट्रेट लाइन इफ ox इज इक्वल्स टू 5, ox की वैल्यू 5 दे रखी है, ये वैल्यू 5 है सर। एंड स्लोप ऑफ लाइन इज -1.2.303, देन ea इज, तो आरएनएस इक्वेशन, सिंपल सा आरएनएस इक्वेशन है इसमें, और वो क्या होता है कि k इज इक्वल्स टू a e रेज टू द पावर माइनस ea अपॉन rt, और इसको अगर हम लोग नेचुरल लॉग ले, इसका नेचुरल लॉग कैलकुलेट करें, तो इसे ही हम लोग लिख सकते हैं ln k इक्वल टू ln a माइनस ea अपॉन rt, और क्योंकि जो मुझे ग्राफ दे रखा है वो लॉग की फॉर्म में दे रखा है, तो मैं इसी इक्वेशन को लॉग की फॉर्म में चेंज करेंगे 2.303 से क्या कर देंगे हम, इज इक्वल्स टू लॉग a डिवाइड कर देंगे माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। और ये जो ग्राफ है ये हो गया log k के साथ में, तो ये हमारा log y है, y x पे तो y मान लेंगे, x स्क्वायर है 1 / t, 1/2x मान लेंगे, और ये माइनस mx है, c माइनस mx टाइप का हमारे पास ग्राफ हो गया। तो m क्या होता है हमारे पास में, स्लोप होती है हमारे पास में, m की जो वैल्यू है, या मैं माइनस m ही लिख लेता हूँ ज्यादा बेटर है, बिल्कुल सर आप कैसे कर सकते हो, दोनों आप पे अगर प्लस m माने तो नेगेटिव स्लोप है, अल्टीमेटली स्लोप नेगेटिव होगी सर, इट इज इक्वल्स टू माइनस ea अपॉन 2.303 r, बिल्कुल सर, और उसकी वैल्यू मुझे दे रखी है ये रही माइनस, स्लोप की वैल्यू है, बिल्कुल स्लोप m की वैल्यू दे रखी है माइनस 1 अपॉन 2.303 r वैल्यू है, वो अगर कैलोरीज में दी हुई होती है तो r की वैल्यू 2 लेते हैं, अगर जूल में दे रखी हो तो 8.314 लेते हैं, तो ऑप्शन मुझे कैलोरी में दे रखा है तो मैं r की वैल्यू 2 रख लेता हूं, तो यहां से माइनस कैंसिल हुआ, ea की वैल्यू जो है, अच्छा 2.303 कैंसिल हो गया, ea पॉइंट r हो गया, और r की वैल्यू क्या होती है कैलोरी में, 2 होती है, मींस आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका, 4th आपका क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 9 हो गया, हम 10 की बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं हम, फॉर द रिएक्शन 2H2+NO कोई रिएक्शन गिवन है, इसके लिए क्या है मैकेनिज्म अपने पास है, क्या है मैकेनिज्म है, देन व्हाट विल बी द रेट लॉ ऑफ दिस रिएक्शन। अब देखो दिस रिएक्शन इज मल्टी स्टेप रिएक्शन, मैकेनिज्म है यहाँ पे, इट मीन्स ये सिंगल स्टेप नहीं है, क्या है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए रेट लॉ के लिए क्या रेट लॉ कर सकते हैं, रेट लॉ इज डिटरमाइंड बाई RDS, RDS क्या होती है रेट डिसाइडिंग स्टेप होती है, और वो क्या होती है हमेशा स्लो स्टेप होता है, बिल्कुल जो सबसे स्लो वाली स्टेप होगी वो क्या होगी रेट डिसाइड करेगी। तो देखो मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग देखें हम, तो आपके पास फर्स्ट रिएक्शन तो फास्ट है, सेकंड स्लो है, थर्ड फास्ट है, सेकंड वाली क्या होगी RDS होगी, तो यहां से हम क्या करेंगे रेट लॉ लिखेंगे, तो रेट लॉ आर इक्वल टू क्या होगा यहां से k मान लेते हैं, हम क्या रेट कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, और यहां पर क्या दिया हुआ है N2O2 की पावर क्या आएगी 1 आएगी, या आप 1 को आप छोड़ सकते हैं, स्टिक पावर भी क्या होगी 1 होगी, यानी दोनों को रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 आ रहा है, लेकिन इसका एक रूल क्या है कि स्टेडी स्टेट एप्रोक्सीमेशन कहता है, जिसके अकॉर्डिंग कभी भी इंटरमीडिएट्स जो होते हैं हमारे पास वो कभी भी हम रेट लॉ में नहीं आने चाहिए, नहीं आने क्योंकि ऑर्डर या फिर रेट लॉ की बात करो तो मतलब जो भी मेरे रिएक्टेंट है उन पे डिपेंड, या तो उसमें रिएक्टेंट आएगा या फिर प्रोडक्ट भी प्रोडक्ट आता है तो वो हमेशा डेथ नीचे की तरफ आता है डिनोमिनेटर में, ठीक है, लेकिन इंटरमीडिएट कभी नहीं आता, तो ये इंटरमीडिएट है ये नहीं आएगा, इसकी जगह मुझे दूसरी वैल्यू चाहिए, आपकी जो मेन रिएक्शन है उसमें N2O2 आपको दिख रहा है कि नहीं, ये इट मींस दिस इज इंटरमीडिएट, H2 आपका यहां पे है रिएक्टेंट, तो H2 आपका रिएक्टेंट में वो रख सकते हैं, अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ N2O2, तो इसके लिए डैम थ्योरी रिएक्शन होगी, देखो कौन सी है देखते हैं हम इसकी, इसके लिए आपको फर्स्ट यूज करनी है, तो फर्स्ट के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc क्या होता है, Kc वो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट K1/K2, इट मींस रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और ये क्या होता है
कंसंट्रेशन प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ N2O2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे। तो यहां से देखो N2O2 की वैल्यू आ गई, तो N2 की वैल्यू क्या होगी, K1 अपॉन K2 इनटू NO का स्क्वायर, और ये वैल्यू मैं रिप्लेस कर देता तो R इक्वल टू अपना क्या हो गया K, और इक्विलिब्रियम का K1 अपॉन K2 इनटू क्या हो गया NO का स्क्वायर। देखो ये वैल्यू किसकी आई यहां पे, ये वैल्यू मैंने किसकी ली, केवल N2O2 की वैल्यू आई है, N2O2 मैंने रिप्लेस किया है, इनटू क्या होगा H2। अब देखो ये तीनों कांस्टेंट है और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लो डिवाइड कर लो कांस्टेंट से, हम k रख सकते हैं तो इसको एक कांस्टेंट मान सकते हैं, इट मींस आपका NO का पावर 2 आ गया, H2 का पावर 1 आ गया। आप NO देखते हैं, NO सिर्फ ये जो पावर जो है, जो पावर है वही हम लोग ऑप्शंस में देख लेते हैं, और ऐसा ऑप्शन देखे तो हमारे पास में फोर्थ सेकंड सॉरी फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। The rate of chemical reaction doubles for every 10 degree centigrade rise of temperature. हर 10 degree centigrade rise करने पर जो rate है chemical equation का वो double हो रहा है। तो temperature coefficient दे दिया सर ये तो मुझे। It means ये value किसकी है? Temperature coefficient TC की value। If the temperature is raised by 50 degree centigrade, then the rate of increasing by about. देखो दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एक फॉर्मूला बेस्ड है, एक डायरेक्टली भी बोल दे कि हर 10 डिग्री से रेट डबल हो रही है। बिल्कुल। तो 10 से 20 गया डबल, अब 20 से 30 जा रहा हूं तो पहले का डबल मतलब 4 टाइम्स हो गया। बिल्कुल सर। 30 से 40 जा रहा हूं तो अब जो पहले था उसका भी डबल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से डबल होता जाता है, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग। तो आर भी आर टी अपॉन टी प्लस टेन अपॉन टी आता है, या आर टी प्लस डेल्टा टी अपॉन टी आता है, रेट जो भी दे रखी मुझे, रेट जो है प्लस डेल्टा टी, या इसको टी प्लस डेल्टा टी लेना ज्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल, हम लोग लिख सकते हैं रेट टी प्लस डेल्टा टी अपॉन आर टी, ये टेम्प टेंपरेचर कोफिशिएंट 2 की पावर डेल्टा टी बाय 10 है। अब क्योंकि हमें दे रखा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने से वो डबल हो रहा है, तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो कि 250 टेंपरेचर हमने इंक्रीज किया, चेंज इन टेंपरेचर हो गया 50 और डिवाइड बाय 10, तो 2 की पावर 5 और इसकी वैल्यू कितनी आएगी सर, 30। तो ऑप्शन नंबर 4 पे करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। इसमें टू रिएक्शन है R1 R2 हैव आइडेंटिकल एक्सपोनेंशियल फैक्टर, यानी दोनों का A की वैल्यू क्या है, सेम है। दोनों रिएक्शन के लिए क्या है, A आपका सेम है, एक्टिवेशन एनर्जी आरएनएस फैक्टर हमें सेम दे रखा है। रिएक्शन 1 की जो एक्टिवेशन एनर्जी एक्सीड दैट ऑफ R2 बाय 10 किलो जूल, इट मींस हम बात डिफरेंस दे रखा है हमें EA1 फर्स्ट की जो एनर्जी है वो सेकंड से क्या करती है 10 किलो जूल एक्सीड करती है, ज्यादा है, ठीक है। जो इन्होंने लिखते हैं एक बात, इफ K1 एंड K2 आर द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, R1 का रेट कांस्टेंट यानी रिएक्शन 1 का K1 है, रिएक्शन 2 का K2 है, ई आपका गिवन है 300 केल्विन गिवन है टेंपरेचर, तो ln K2 अपॉन K1 आपको डिटरमाइन करना है। तो देखो आरएनएस इक्वेशन क्या कहती है, के इक्वल टू ए ई रेस्ट द पावर माइनस ई ए अपॉन आरटी, दिस इज आरएनएस इक्वेशन। ये क्या इन्फॉर्म करती है, द रेट डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर एंड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो यहां हम बात करें तो R1 के लिए अप्लाई कर देते हैं, R2 के लिए यहां पे रेट K1 K2 अलग-अलग ले, ये क्या है आरएनएस फैक्टर बोल दो या क्या बोलते हैं, प्री एक ये दिया प्री ऑलरेडी सेम दिया, प्री एक्सपोनेंशियल आइडेंटिटी, ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी, R क्या होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T क्या होता है टेम्परेचर इन केल्विन। तो देखो रिएक्शन 1 के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, K1 और A दोनों का सेम है, E और इसकी हम मान लेते हैं EA1, क्या मानते हैं बेटा EA1 मानते हैं, R और T की वैल्यू हम लास्ट में पुट कर देंगे 300 केल्विन, ऐसे इक्वेशन सेकंड के लिए लिख लेंगे। सेकंड क्या होगा, A आपका सेम है, E रेज़ टू द पावर माइनस EA2 अपॉन R, T की वैल्यू दोनों के लिए सेम है तो सेम दे पुट कर लेंगे। अब हमें वी हैव टू कैलकुलेट रेशियो ऑफ ln K2 अपॉन K1, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें हम K2 अपॉन K1 ले लेते हैं, K2 अपॉन K1 कर लेते हैं फिर लोग ले लेंगे, ठीक है। तो दिस अपॉन दिस करेंगे तो क्या होगा, ए से ए कैंसिल होगा और ई की पावर माइनस EA2 अपॉन आएगा माइनस EA1, तो ये ऊपर जाएगा क्या होगा, हो जाएगा, इट मींस क्या होगा, ई रेज़ टू द पावर EA1 माइनस EA2 अपॉन आरटी, कॉमन है तो हम कॉमन ले लेंगे,
अब हम क्या लेते हैं, नेचुरल लॉगरिथम ln ले लेते हैं, ln k2 upon k1 क्या होगा यहाँ पे, ea1 माइनस है नेचुरल लॉग है तो उसकी वैल्यू 1 rt और ln e की वैल्यू 1 हो जाएगी। इट मींस ln k2 upon k1 डिटरमाइन करना है। अब वैल्यू पुट करते हैं ea1 माइनस ea2, तो यहां से देखो आप ऑलरेडी ea1 माइनस ea2 क्या होगा 10 किलो जूल, तो इसकी वैल्यू आएगी 10 किलो जूल, और किलो जूल को जूल में करने के लिए क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आर की वैल्यू कौन सी यूज करनी है यहां पे, किलो जूल वाली यूज करनी है, एमकेएस यूज करनी है, कितनी होती है 1.314, और टी आपका गिवन है कितना 300 केल्विन गिवन है, क्लियर। 200 कैंसिल कर देते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आता है एप्रोक्सीमेट सॉल्व करेंगे 25 आता है, और 2500 बाय 20 कितना होता है 4, मींस का आंसर क्या आएगा 4, तो आपका कौन सा करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, पढ़िए सर पढ़ते हैं इसको। ए पॉजिट्रॉन इज एमिटेड फ्रॉम Na1123, 11 उसका एटॉमिक नंबर दे रखा है, 23 उसका मास नंबर दे रखा है, द रेशियो ऑफ एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर ऑफ द रिजल्टिंग न्यूक्लियाई, मतलब अगर हम लोग इक्वेशन लिखे तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि सोडियम हमें दे रखा है, एटॉमिक नंबर उसका 11 है, मास नंबर 23 है, और ये डिग्रेड हो रहा है। अब जो भी डिग्रेड हो, जिसमें भी हो, हम ए मान लेते हैं उसको, बिल्कुल, और साथ में पॉजिट्रॉन निकल रहा है, पॉजिट्रॉन मतलब रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, हम लोग ऑब्वियसली इसका जो मास होगा जीरो होगा, जीरो होता है, और चार्ज होगा प्लस वन, पॉजिट्रॉन मीन्स पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, बिल्कुल प्लस वन ये लिख सकते हैं। अब ए जो है ऑब्वियसली मास में कोई चेंज नहीं हुआ, तो मास वही रहेगा, वही तो आपका मास रहेगा 23, लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि इधर जो प्रोडक्ट का सम है और रिएक्टेंट का सम है वो इक्वल होना चाहिए, सर 1 इधर चला गया तो सर यहाँ पे 10 लिख सकता हूँ, बिल्कुल 10 प्लस 1 11, 11 इक्वल हो गया, और मुझे वहाँ पे पूछा है रेशियो ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कितना है इसका 23 अपॉन एटॉमिक नंबर कितना है 10, बस बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, इन्हें जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या क्या गिवन है, कुछ स्टेटमेंट्स हमें दे रखे हैं वो हमें देखने हैं, ठीक है। तो द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, अब देखो रेट क्या है, टेम्परेचर डिपेंड करती है, कैसे करती है, आरएनए रिएक्शन क्या कहता है, के इक्वल टू ए ई रेट टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, तो यहाँ क्या कहता है टी बढ़ेगा तो के क्या होगा इंक्रीज होगा, और के इंक्रीज होगा तो रेट भी क्या होगी इंक्रीज होगी, चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो या किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन हो, उसके लिए रेट हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और वो एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो दोनों के लिए हमेशा टेम्परेचर इंक्रीज करता है। बट हाँ कुछ एक्सेप्शन है, वो एंटी आरएनएस टाइप की इक्वेशंस है, उनमें वो सब बात की बात है, अलग एक्सेप्शन है, ठीक वो अलग है। तो आपका फर्स्ट क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया, सेकंड बात द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वीए की क्रिया करो की, अब ये बात देखो किसके लिए कर रहे हैं, जीरो के लिए कर रहे हैं ना, तो जीरो के लिए क्या होगा आर इक्वल टू के कंसंट्रेशन की पावर क्या होगा जीरो, इट मींस क्या होगा आर इक्वल टू के कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करेगा, और क्या बोल रहा था रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं हाफ लाइफ डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इसका हाफ लाइफ क्या होता है सी नोट अपॉन टू के होता है, तो सी नोट क्या हो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, और ये क्या करेगा इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे तो बिल्कुल डिपेंड करेगा। द रेट कांस्टेंट हैज द यूनिट, तो देखो आर इक्वल टू क्या हुआ यहाँ पे के कंसंट्रेशन की पावर 0.1 हो गया, तो यूनिट ऑफ आर एंड यूनिट ऑफ के क्या होगी सेम होगी, एसिलेशन एक ही है, तो फॉर्मूला भी बता रहा है रेट की जो इक्वेशन है जो यूनिट है वो क्या आती है मोलरिटी या कंसंट्रेशन अपॉन टाइम चेंज इन कंसंट्रेशन, वही क्या रेट क्या होती है डेल्टा सी बाय डेल्टा टी चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, तो कंसंट्रेशन बोले तो मोलारिटी हो गई और टाइम सेकंड हो गया, तो दोनों यूनिट क्या होगी सेम होगी, तो ये भी आपका करेक्ट है। इट मींस आपका आंसर क्या आएगा 2, 3 and 4. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू, अगेन स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, मोर देन वन ऑप्शन हो सकते हैं, द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन कैन बी जीरो, बिल्कुल ऑर्डर की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है, टू भी हो सकती है, डेसिमल में भी हो सकती है 1.5, 0.5, नेगेटिव भी हो सकती है, प्रैक्टिकल डेटा है कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट क्या हो गया फर्स्ट करेक्ट, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज इक्वल्स टू इट्स मॉलिक्युलैरिटी, बिल्कुल एलिमेंट्री रिएक्शन वही होती है जिनमें ऑर्डर एंड मॉलिक्युलैरिटी दोनों सेम, बिल्कुल सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, तो हमेशा उनमें मॉलिक्युलैरिटी एंड ऑर्डर सेम आता है, ये भी सही है, करेक्ट है।
The order of inversion of sucrose is 2. ये specific example दे रखा है हमें inversion of sugar जो होता है वो एक pseudo first order reaction का example है. Pseudo first order ने जहाँ पे हम लोग किसी एक को बहुत excess में ले लेते हैं तो उस पे rate depend नहीं करती. इसलिए हम लोग कह देते हैं pseudo first order reaction. तो it means ये क्या हो गया? ये गलत है. Wrong हो गया. बिल्कुल. The order of a reaction may change if the experimental conditions are changed. बिल्कुल. हम लोग तो कह ही रहे हैं कि order एक experimental value है. Experiment से ही determine की जाती है. वहाँ पे अगर एक ही reaction पे अगर अलग-अलग experiments करते हैं, हम लोग different type के experiments करें, तो order जरूरी नहीं है same है. It can be different. तो बिल्कुल ये भी. थोड़ा inversion और sucrose के अगर reaction की बात कर लें तो हम थोड़ा देख सकते हैं क्या होगा. C12. बिल्कुल. C12H22O11. O11. ठीक है. वाटर लेते हैं हम लोग. H2O से क्या बनेगा? ग्लूकोज. प्लस से क्या होगा? फ्रक्टोज. ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बन रहा है. फर्स्ट जो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, इट मींस क्या होता है उसमें, जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर या कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट इज एक्सेस कंपेयर टू वाटर जो है हम लोग इस रिएक्शन में एज ए सॉल्वेंट बन रहा है. तो सॉल्वेंट मतलब बहुत एक्सेस में हो गया. अच्छा एक चीज और, यहाँ पे इन्वर्जन बोल रहे हैं, इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज, लेकिन हम जो रिएक्शन लिख रहे हैं वो तो हाइड्रोलिसिस लिख रहे हैं. फिर इसे ही इन्वर्जन क्यों कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि जो सुक्रोज का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग, जो सुक्रोज का ऑप्टिकल रोटेशन होता है वो पॉजिटिव वैल्यू होती है. ग्लूकोज की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, फ्रक्टोज की पॉजिटिव होती है. ओवरऑल अगर इनको हम लोग करें तो पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो जाता है. जो नेगेटिव वैल्यू होती है इधर वो ज्यादा होती है, पॉजिटिव कम होती है. ओवरऑल नेगेटिव में आता है, इधर पॉजिटिव है. तो पॉजिटिव से नेगेटिव इसे इन्वर्जन कहते हैं. तो ये हाइड्रोलिसिस जब करते हैं तो ये सॉल्वेंट एक्सेस में हो गया और एक्सेस वाले रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0 होता है. इट मींस ऑर्डर क्या हो गया? 1 हो गया. 1 ऑर्डर. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं. अगेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू. For endothermic reaction, energy of activation is always greater than heat of reaction. Endothermic reaction, अगर मैं देखूं, तो ग्राफ कैसे होती है? ग्राफ इस तरीके से होगा. बिल्कुल. और यहाँ पे ये मेरी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है. बिल्कुल सर. यहाँ से लेके यहाँ तक की जो एनर्जी है वो हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं. EF. EA है हमारे लिए. तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन हीट ऑफ रिएक्शन. बिल्कुल. हीट ऑफ रिएक्शन अगर ये प्रोडक्ट है तो ये मेरा हीट ऑफ रिएक्शन है. ये डेल्टा एच है और ये मेरा ई ए है. तो ऑलवेज ई ए जो होगा वो डेल्टा एच से ज्यादा होगा. ऑप्शन नंबर क्या है? करेक्ट. फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज ऑलवेज स्मॉलर देन हीट ऑफ रिएक्शन. एक्सोथर्मिक के लिए ग्राफ बना के देख लेते हैं. तो ग्राफ से बिल्कुल दोनों पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं. एक्सो में क्या होगा ग्राफ? अगर एक्सोथर्मिक का ग्राफ देखें हम लोग तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो जाएगी. बिल्कुल. ये कम हो जाएगी. ये प्रोडक्ट है, ये नीचे तक आएगा. ये डेल्टा एच की वैल्यू है, ये मेरे लिए ई ए की वैल्यू है. ये डेल्टा एच, ये वाला मेरा ई ए की वैल्यू दे रहा है. अब बोला ऑलवेज स्मॉलर. ये कह रहा है कि एनर्जी इज ऑलवेज स्मॉलर होगी. ये तो कोई जरूरी नहीं. जरूरी नहीं. इट मींस क्या हो गया? साफ-साफ दिख रहा है. हो सकता है पर ऑलवेज नहीं होगा. ठीक है. तो आपका ये क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया. नेक्स्ट हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेंपरेचर. इसको अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था. बिल्कुल. कि कोई भी रेट हो, कोई भी ऑर्डर की हो, कैसी भी हो, हमेशा टेंपरेचर के साथ में रेट इंक्रीज होता है क्योंकि कोलिजन बढ़ता जाता है. और टेंपरेचर कोएफिशिएंट टीसी का फार्मूला भी हमने यूज किया. आरटी प्लस 10 अपॉन आरटी होता है. यूज भी किया हमने. आर लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं. केटी प्लस 10 अपॉन केटी टेंपरेचर कोएफिशिएंट. करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ. ओके बेटा, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं. तो इन रेडियोएक्टिव सैंपल 4019 पोटेशियम दे रखा है. पोटेशियम 40 आइदर डीके इनटू स्टेबल. आइदर डीके में टू हो रहे हैं यहां पे. कैल्शियम भी हो रहा है और कैल्शियम के अलावा आर्गन भी हो रहा है. इट मींस क्या हो गया? दोनों पैरेलल हो रहे हैं. यानी ये किसमें आ गया? पैरेलल रिएक्शन दे रखी है. पोटेशियम जो फर्स्ट कैल्शियम में भी डिसोसिएट हो रहा है और आर्गन में भी हो रहा है. दोनों की हमें अलग-अलग जो रेट कांस्टेंट है वो अलग-अलग दे रखा है. पैरेलल रिएक्शन होगी. अभी थोड़ी देर पहले मींस क्या होगी? पैरेलल फर्स्ट और ऑर्डर फर्स्ट क्यों हुआ? बिकॉज़ ऑल रेडियोएक्टिव रिएक्शन आर फर्स्ट. ऑल रेडियोएक्टिव रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर. तो इट मींस एक इससे फॉर्म हो रहा है कैल्शियम एंड सेकंड कौन सा फॉर्म हो रहा है? आर्गन फॉर्म हो रहा है. आर्गन फॉर्म हो रहा है 1840. इसके लिए रेट कांस्टेंट K1 है, इसके लिए रेट कांस्टेंट K2 है. वैल्यू आपके पास है. तो ये वैल्यू किसकी है? K1 की है.
और ये वाली वैल्यू किसकी है K2। अब देखो आगे पढ़ते हैं क्या क्या गिवन है। गिवन देयर सैंपल ऑल स्टेबल कैल्शियम एंड आर्गन न्यूक्लियर आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिश न्यूक्लियस ओनली, ठीक है वही पैनल की बोल रहे। टोटल टाइम ड्यूरेशन आपके पास है T × 10⁹ है। इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द स्टेबल न्यूक्लियर टू रेडियोएक्टिव इज 99, यानी आपका इनका जो सम है और जो पोजीशन का सम है वो क्या है 99। यानी आपके पास जो प्रोडक्ट है क्या है प्रोडक्ट बात करें टोटल दोनों आगे टोटल प्रोडक्ट और जो पहले रिएक्टेंट है उसका रेशियो 99। अब देखो बात करें थोड़ा समझे इसको, रिएक्टेंट वन बचता है रिएक्टेंट वन बचता है। तो अगर सी नोट की बात करें सी नोट अपॉन सी टी भाई अल्टीमेटली यूज हम यही करना है तो इट मींस क्या हुआ अगर पहले 100 दें तो आपके पास सीटी कितना हुआ एक ही बार सेट में कि 99 तो कन्वर्ट हो गए। बिल्कुल इट मींस ये कह रहा है रिएक्शन 99% क्या हो गई कन्वर्ट हो गई प्रोडक्ट ऑलरेडी हमें दे दिया 99 तो बचा कितना। इसके लिए जो पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए ओवरऑल रेट कांस्टेंट क्या होता है K1 + K2 होता है K1 + K2 अल्टीमेटली अप्लाई क्या करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है कैलकुलेट तो क्या होगा 2.303 अपॉन के लोग सी नोट अपॉन सी टी। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे 2.303 अपॉन के की वैल्यू दोनों सम कर लें देखो अगर दोनों को ऐड करते हैं 4.5 × 10⁻¹⁰ है प्लस 0.5 × 10⁻¹⁰ है देखो 5 हो गया ये 10 कॉमन आ रहा माइनस 10 तो क्या हो गया 5 × 10⁻¹⁰ हो गया। लोग और सी नोट अपॉन सी टी में रिएक्शन क्या किया अभी 100/1 करना है क्योंकि 99 के प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है तो बचा हुआ 1 ही है तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या हो गया 2.303 ये पावर नेगेटिव में आएगी तो माइनस 10 होगा अपॉन 5 × 10⁻¹⁰ और लेग लोग क्या होगा 10 का स्क्वायर मींस 2 लोग 10 लॉग 100 की वैल्यू 2 ठीक है इट मींस आपका हो गया 4.6 upon 5 और 10⁻¹⁰। अब हम देखो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो हम देखते हैं आंसर किस फॉर्म में है। आंसर आपका है सॉरी मोर देन 1 की बात कर रहे हैं आंसर आपका है टाइम से जरा T × 10⁹ क्या गिवन है T × 10⁹ गिवन है। तो देखो इसको T × 10⁹ के फॉर्म में क्या लिखेंगे 46/5 लिख सकते हैं तो एक पावर यहाँ ले लें सर तो क्या होगा 46/5 × 10⁹ यानी आपको कितना हो गया ये 5 9 पॉइंट कितना हो गया 9.2 × 10⁹ और वैल्यू किसकी पूछ रहा है इसमें टी की पूछ रहा है तो टी की वैल्यू हमने क्या आई 9.2 ऑप्शन देखो ऐसा कौन सा है 9.2 आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा सेकंड होगा। ओके बेटा तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 में क्या दे रखा है डीके सीक्वेंस दे रखी है ठीक है सिंपल सा क्वेश्चन आपको क्या करना है आपको मास नंबर और क्या करना है एटॉमिक नंबर आपको बैलेंस करना है ठीक है तो देखो इसको बैलेंस करके लिखते हैं आईटी फर्स्ट क्या है 92 यूरेनियम 238 इससे क्या फॉर्म हो रहा है एक कोई एक पार्टिकल बाहर निकल रहा है बिल्कुल 90 थोरियम बन रहा है 90 234 और पार्टिकल मोस्टली जो होता है अल्फा बीटा यही होता है। अब देखो यहां डायरेक्टली करते हैं इसको देखो मास में चेंज कितना आया 2 तो सर कौन सा पार्टिकल है मास हीलियम एटॉमिक नंबर का 2 हीलियम का होता है और मास देखो 4 आएगा अपने आप ही 2 ही यानी आपका जो अल्फा पार्टिकल हो गया एक्स1 पार्टिकल अल्फा है। नेक्स्ट हम इससे बन रहा है अगेन एक पार्टिकल बाहर निकल रहा है 91 और इस बार इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक नंबर में क्या हो रहा है इंक्रीमेंट हो रहा है और मास नंबर आपका कौन सा है सर ठीक है बिल्कुल मास कौन सा होगा इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा एक चार्ज आपको कम करना पड़ेगा तो इट मींस क्या होगा ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है 91 मास माइनस 1 क्या 90 हो गया मास नंबर चेंज हो रहा है मींस क्या है X2 आपका क्या है नेगेटिव बीटा पार्टिकल क्या है बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन या फिर उसे बीटा पार्टिकल हम लोग इससे क्या हो रहा है सर इससे बन रहा है। अब आगे देखो अगर ये गिवन है तो थोड़ा आगे बात कर लेते तो यहाँ के बाद देखो 90 हो रहा है और यहाँ पे 234 है और 238 है मास नंबर में चेंज हो रहा है डैम श्योर यहाँ पे X4 तो क्या होगा अल्फा ही होगा सर बिल्कुल तो अगर चार का डिफरेंस आ रहा है मास में तो एक अल्फा पार्टिकल ही होगा ये 284 होगा। अब देखो यहाँ 4 का डिफरेंस है तो ये 90 हो गया ना इट मींस यहाँ पे क्या था 92 होगा तो ही 90 आएगा सर प्रोडक्ट जो है वो 90 है तो इसका मतलब जो रिएक्टेंट है वो दो ज्यादा होगा ठीक है।
अब X3 का मार्जिन लगाए तो 91 से 92 यानी इंक्रीमेंट हो गया है। नेक्स्ट सेम यही क्या होगा, नेगेटिव बीटा पार्टिकल होगा सर, तभी तक पॉसिबल है, तभी बिल्कुल इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज मतलब इलेक्ट्रॉन है। अब हमने X1 X2 X3 X4 पता कर लिए, हम ऑप्शन की बात करते हैं। फर्स्ट है Z इन आइसोटोप यूरेनियम, Z का एटॉमिक नंबर 92 है सर, तो डैम श्योर दिस इज द आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, तो आपका फर्स्ट इज करेक्ट है। X3 इज गामा रे, X3 हमने क्या कैलकुलेट किया सर, बीटा किया है, इट मींस गामा रे तो कहीं पे है ही नहीं, गामा आपका यूज नहीं हुआ। X1 विल बी डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो X1 पार्टिकल कौन सा अपना अल्फा है, अल्फा पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, चार्ज होता है, पॉजिटिव पार्टिकल कहां स्ट्राइक करेगा सर, नेगेटिव पे करेगा, बिल्कुल करेगा, आपका ये करेक्ट है। X2 हमने क्या निकाला है, बीटा और नेगेटिव बीटा ऑप्शन किया, डीबी आपका करेक्ट है, इट मींस फाइनल आपका 1 3 एंड 4 इज करेक्ट। ओके बेटा, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मींस इंटीजर टाइप भी है, ऑप्शन हमारे पास नहीं मिलेंगे इनको, ठीक है। तो हम इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन A+B, एलिमेंट्री मतलब सिंगल स्टेप पे, सिंगल स्टेप पे बिल्कुल, और हमने बात की थी कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर दोनों सेम होते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, बिल्कुल सर। गिव सी द इनिशियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी, अच्छा इनिशियल प्रेशर हमें दे रखा है 0.40 0.60 रेस्पेक्टिवली, तो एक बार हम रिएक्शन को लिख लेते हैं सर, A+2B बिल्कुल गिव्स टू सी गैस एंड ए इक्वल टू 0 पर जो प्रेशर है वो भी इनिशियली जो हमें दे रखा है, तो वो A का सर 0.40 है, B का 0.60 दे रखा है, और एलिमेंट्री के लिए सर रेट लो, लिखें आप रेट लो आपका, बिल्कुल अगर एलिमेंट्री है तो मेरा जो रेट होगा वो होता है K प्रेशर ऑफ A की पावर 1 आएगा सर, स्टोइकोमेट्री 1 है, प्रेशर है सर, यहां पे प्रेशर की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये नॉर्मली हम लोग जो पढ़ते हैं वो कंसंट्रेशन में पढ़ते हैं, लेकिन जब हमें प्रेशर में दे रखा है तो PA लिख देंगे, बिल्कुल सर, इसे क्या लिख देंगे हम लोग, K इनटू प्रेशर ऑफ A की पावर 1 की पावर 1 प्रेशर ऑफ B का स्क्वायर, बिल्कुल सर, यही हमारा रेट लॉ होगा, ठीक है। और T इक्वल टू जो आपका टाइम है, कुछ टाइम के बाद आफ्टर टाइम T, ठीक है। तो अगर टाइम T की बात करें, हम मानते 0.4 में से P प्रेशर क्या हो रहा है सर, डिसोसिएट हो रहा है, बिल्कुल, अब इसके 1 मोल से इसके 2 मोल रेट करेंगे, तो इसका P अगर डिसोसिएट होगा तो इसका 2P होगा, तो 0.6 माइनस 2P हो जाएगा, और इसका P बन जाएगा, P बनेगा 1 से 1 फॉर्म हो रहा है। अब देखो क्वेश्चन में सर C का जो प्रेशर दिया हुआ ऑब्जर्व कितना दिया हुआ है, 0.1 दिया हुआ है, तो P 0.1 है, इट मींस इस टाइम पे B का क्या हो गया सर, 0.4 आ गया, 0.4 आ जाएगा, अब बात करते हैं रेट लो, हमने लिख लिया एलिमेंट्री के लिए, दोनों का रेशियो निकालना है, तो वैल्यू रख देते हैं रेट ऑफ इनिशियल अपॉन रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर टाइम, आर नॉट अपॉन आर एट टाइम पे क्या होगा, के प्रेशर ऑफ ए की वैल्यू कितनी, 0.4 इनिशियल के लिए, तो 0.4 लेते हैं इनटू 0.6 का स्क्वायर इनटू प्रेशर ऑफ ए की पावर 1 है तो 0.4 इनटू 0.6 का बी का स्क्वायर, 0.6 इनटू 0.6 हो गया, और RT आफ्टर टाइम T जो अभी भी हम लोगों ने के लिए हम कैलकुलेट किया है, ए का पता है, रेखा कितना है, ए का 0.3 है, और बी का कितना हुआ सर, 0.4 है, 0.4 स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर कर देंगे, तो देखो 0.4 से 0.4 कैंसिल कर देते हैं, K से K कैंसिल कर देते हैं, पॉइंट सारे हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, सॉल्व करने पे सर 3 आ जाएगा, बिल्कुल 3 आ जाएगा, बिल्कुल। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, हाफ लाइफ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर इक्वल, तो जीरो का हाफ लाइफ क्या होता है, सी नॉट अपॉन 2, अब जीरो के लिए रेट कांस्टेंट हम के नॉट ले लेते हैं सर यहां पे कांस्टेंट ले सकते हैं, और फर्स्ट का क्या होता है हाफ लाइफ 0.693 अपॉन के, हम ड्राइव कर चुके हैं, ठीक है, और इसका हम K1 ले लेते हैं सर, और दोनों इक्वल ले लेते हैं, आप किसान आगे बढ़ते हैं, इफ कंप्लीट टाइम कंप्लीशन टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 30.86 मिनट है, कंप्लीशन मतलब कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट के लिए टाइम क्या था, C नॉट अपॉन K, क्या आता है C नॉट अपॉन K नॉट लिया हमने, इसकी वैल्यू गिवन है कितनी 13.86, और यूनिट ध्यान देंगे अब क्या है मिनट्स में है, ठीक है, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट इन आवर इनवर्स, शॉर्ट फर्स्ट का है फॉर द रिएक्शन, अब देखो इसके लिए आपको क्या करना है रेट कांस्टेंट निकालना आपको, ठीक है ना, ये फर्स्ट रिएक्शन है, तो इट मींस यहां c नॉट अपॉन k नॉट की वैल्यू यहां पुट कर देते क्योंकि तो क्या सेम दे रखा है, सेम दे रखा है, तो इसी का हम यूज कर लेते हैं, अपॉन 2 कर सकते हैं, इक्वल टू 0.693 अपॉन k1, हमें k1 क्या करना है, डिटरमाइन करना है, तो देखो यहां से हम बात करें तो जस्ट ये कितना होगा, डबल हो रहा है क्या, पर यहां पे 30 ना तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है, 20/2 10 हो गया,
इट मीन्स आपका के वन जो आ गया वो क्या आ गया 1/10 बट ये आया किसमें सर मिनट इनवर्स में आया बट आवर इनवर्स में क्या करेंगे हम पूछा 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे बिल्कुल ठीक है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा आंसर अपना फाइनल 6 अपना फाइनल आंसर आ जाएगा बिल्कुल नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन 21 पढ़िए सर डिस्कस करते हैं टोटल नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल एमिटेड इन द न्यूक्लियर रिएक्शन दिस पीबी इज ठीक है तो हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं हमें नहीं पता कि कितने होंगे हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं यूरेनियम है मेरे पास में 238 है 92 है और ये डिसोसिएट हो रहा है पीबी में एटॉमिक नंबर मुझे उसका 82 दे रखा है और मास नंबर जो है मास है वो 214 दे रखा है अब मुझे नहीं पता कि कितने अल्फा पार्टिकल निकले मैं उसको x मान लेता हूं x पार्टिकल है x अगर है तो अल्फा और अल्फा का मास नंबर 284 लिख सकते हैं और ये प्लस हम जो y पार्टिकल है वो क्या मान लेते हैं सर बीटा मान लेते हैं y मान लेते हैं वो बीटा पार्टिकल y मान लेते हैं -1 इलेक्ट्रॉन 0 बीटा पार्टिकल ठीक है तो अब देखो हम पहले जो मास नंबर है उसे कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कि 238 इक्वल टू इज इक्वल्स टू 214 प्लस x * 4 और ये क्या हो गया y भी 0 हो गया वो तो 0 हो गया मास नंबर है नहीं तो यहां से हम लोगों ने x की वैल्यू निकाल ली 238 - 214 = 4x, 6 आ जाएगा हमारे पास 4x = 24 आएगा x = 6 आ गया तो ये मेरे पास में अल्फा पार्टिकल आ गया x की वैल्यू आ गई कितनी 6 आ गई इसकी हेल्प से बीटा पार्टिकल निकाल लेते हैं तो नीचे देखते हैं वही 92 = 82 प्लस ये अल्फा पार्टिकल कितने 6 है मुझे पता चल गया तो 6 * 2 = 12 हो गया अपना बिल्कुल सर और -y - y हो जाएगा -y अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो 92 और ये आपको कितना हो गया 80 2 + 12 कितना हो गया 92 = हो गया 82 + 6 * 2 यानी 82 + 12 होगा अपना हो गया 94 - y और ये प्लस सॉरी मैंने गलती बाय मिस्टेक लिख दिया तो ये क्या आएगा इक्वल टू है, सॉल्व करके आ गया 2 y = 2 2 - 1 - 2 = 6 अल्फा एंड 2 नेगेटिव बीटा पार्टिकल 6 अल्फा पार्टिकल है 2 बीटा पार्टिकल बिल्कुल सर ओके बेटा तो इसी के साथ हम ये जो काफी सारे कांसेप्ट सर हम लोगों ने क्लियर कर लिए हैं ठीक है तो ऑलमोस्ट आपका पूरा चैप्टर कवर हो गया है तो आप इसको अच्छे से देखें ठीक है और प्रैक्टिस करें तो आपका पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ओके बेटा नेक्स्ट सीरीज में हम फिर मिलेंगे थैंक यू बेटा जय सीएलसी टाटा बाय